हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार की ट्रेडिशनल मिठाई, जो कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में जरूर बनता है। तो इसके लिए हमने लिया है आधा किलो मैदा। अब इसके बाद डालेंगे आधी चम्मच क्रश किया हुआ सौंफ। तो इसको हमने क्रश करके डाला है। और इसके बाद डालेंगे ये आधी चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। इसके बाद डालेंगे इसमें 4 या 5 चम्मच ऑयल। ये हमने रिफाइन ऑयल लिया है, सरसों तेल नहीं डालेंगे। यहाँ पे आप घी भी डाल सकते हैं। तो हम इसे डालकर मिला लेते हैं अच्छे से। तो ये हमने मिलाया है, लेकिन हमें थोड़े से तेल की और ज़रूरत है। तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब फिर से ऑयल डाला है। तो इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। तो हम ऐसे बांध के देखेंगे तो ये हल्का बंध रहा है, तो हमें बस ऐसे ही चाहिए। तो अब हम पानी डाल के इसे गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सख्त डो लगाएंगे। इसे हमें रोटी वाला आटे की तरह नहीं गूंथना है। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, हमने गूंथ लिया है और ये कितना टाइट है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के। तो बस हमें ऐसे ही गूंथना है और इसे अब हम ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और इसका ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे सेट होने के लिए। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे चाशनी के लिए और इसमें डालेंगे 1 कटोरा चीनी। वजन से ये 250 ग्राम चीनी है। और उसी कटोरे से हम 1 कटोरा पानी डालेंगे। तो आप कोई भी बर्तन सेट कर लीजिए, उसी से आप बना लीजिए चाशनी। तो यहाँ पे हम 1 चुटकी फूड कलर डाल रहे हैं। और इसके बाद डालेंगे आधी चम्मच इलायची पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब पकने देते हैं चाशनी तैयार होने के लिए, छोड़ देते हैं अब। और अब इसके बाद हम आटा देख लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आटा सेट हो गया है। अब इसको हम गोजा बनाने की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से पहले हाथों से फैला लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे पहले, और इस तरीके से कट करेंगे। इसको 4 भागों में कट कर लेंगे और इसको फिर से एक के ऊपर एक रख के और फिर से फैलाएंगे इसे। तो इस तरीके से हम एक के ऊपर एक रख के और फिर से इसे फैलाएंगे उसी तरीके से। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये तो हमें करना है, तभी तो हमारी गोजा में परत आएंगी और वो खस्ता बन के तैयार होंगी। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो तो ये इस तरीके से बेलने से लेकर फैला लीजिए। तो इस तरीके से हमने फैला लिया है और फिर से इसे कट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें 6 से 7 बार रिपीट करना है। तो हमने फिर से कट लगा लिया है और फिर से हम एक के ऊपर एक रख के और फिर से फैलाएंगे। तो इस तरीके से दबा दबा कर फिर से फैलाएंगे। तो यहाँ पे अब चाशनी देख लेंगे। तो ये हमारी चाशनी बन चुकी है। तो ऐसे करके हम चेक कर लेंगे। तो बस हमें हल्का सा ऑयल जैसे लगना चाहिए चिकना। तो ये हमारी चाशनी बन चुकी है। अब बंद कर देते हैं गैस और लास्ट में हम 1 नींबू का स्लाइस डालेंगे कि हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो, जमे ना। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम गोजा का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने सेट किया है। तो इसके इसको चिकना नहीं करेंगे, इसकी परतें हम पूरी तरह से चिपकाएंगे नहीं। तो अब हम इसे कट लगा लेंगे। तो इस तरफ से भी हम कट लगा लेंगे। तो ये हमने कट लगा लिया है और हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से। तो ये गर्म है, अब हम इसमें डाल लेंगे सारे पीसेज को। और इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। तो ये एक तरफ से सिक चुका है और इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं और इसे ब्राउन कलर आने तक सेकना है।
तो ये धीरे धीरे सीख रहा है और मीडियम फ्लेम ही रखेंगे, तेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से कलर आ जाएगा ब्राउन और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसे हम एक एक करके सारे को पलट देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। तो इधर हमने चाशनी को फिर से गर्म कर लिया है हल्का सा, क्योंकि ये ठंडा हो चुका था। और नींबू के स्लाइस को हम निकाल लेंगे, तो ये हल्का सा गर्म करके और इसमें डालेंगे अपना गाजा। तो अब हम इसमें तुरंत निकाल के डालेंगे गर्मा गर्म ही, तभी इसमें चाशनी अंदर तक जाएगी। तो हम सारे गाजे को इसमें डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो ये गाजा इसका नाम बोलते हैं, तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं जरूर हमें बताइएगा कमेंट में। तो ये हमने सारा इसमें डाल लिया है और इसे 5 मिनट तक इसमें रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो 5 मिनट हमने इसमें रखना है। तो ये 5 मिनट हमने रख लिया है और देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी चाशनी अंदर तक गई है। तो आपको हम इसे तोड़ के दिखाएंगे। तो इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये गाजा हमारा बनके तैयार हुआ है, और इसमें थोड़े से पिस्ता भी हम गार्निशिंग के लिए डाल लेंगे। तो ये हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अंदर तक इसमें रस गया है। तो ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।